वन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इम्यूनो डिफ्यूजन इम्यूनो डिफ्यूजन के दो टाइप्स हम डिस्कस करेंगे विच इज सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन जिसको मैंसनी मेथड बोलते हैं और आउचटर लोनी डबल इम्यूनो डिफ्यूजन तो सबसे पहले इम्यूनो डिफ्यूजन देख लेते हैं क्या होता है इम्यूनो डिफ्यूजन जो होता है इट इज़ बेस्ड ऑन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन इसका जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बेस्ड है इट इज़ बेस्ड ऑन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन अब इम्यूनो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है सो so, आप ये देखिए ये हमारे पास ना सपोज करो कि एक टेस्ट ट्यूब है इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या थी हमारे पास में एंटीबॉडीज़ थी ये टेस्ट ट्यूब में क्या है हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं अब हमने क्या किया यहाँ पर एंटीजन्स को ऐड किया यहाँ पे हमने क्या किया एंटीजन्स को ऐड करा अब वो जो एंटीजन्स जब टेस्ट ट्यूब में गए तो जो एंटीबॉडीज़ वहाँ पे प्रेजेंट थी उनके साथ रिएक्शन हुई एंटीजन प्लस एंटीबॉडी का रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा सो so, सपोज़ करो कि ये हमारे पास क्या एंटीबॉडी है और एंटीजन यहाँ पर आकर के क्या हुआ इनका इंटरेक्शन हुआ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना अब जहाँ पे ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उस जोन को हम क्या बोलेंगे जोन ऑफ इक्विवेलेंस जोन ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब है कि ये ऐसा पॉइंट है ये ऐसी जगह है ये ऐसी जोन है जहाँ पे एंटीजेंस का जो अमाउंट है दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज तो यहां पे आपको क्या दिखेगी यू विल सी अ प्रेसिपिटिन रिंग यहां पे आपको क्या दिखेगी इस तरीके से वी विल सी अ प्रेसिपिटिन रिंग सो दिस इज नोन एज द प्रेसिपिटिन रिंग आपको यहां पर दिखेगी अब देखो ये जो हमारे पास यहाँ पे आप देखो एंटीजन एक्सेस में है नीचे क्या है एंटीबॉडी एक्सेस में है तो इस जोन को जहाँ पे एंटीबॉडी एक्सेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं प्रो जोन बोलते हैं और जहाँ पे एंटीजन ज़्यादा होते हैं इसको हम पोस्ट जोन बोलते हैं दिस इज़ नोन एज द पोस्ट जोन और जहाँ पे एंटीबॉडी ज़्यादा है उसको हम प्रो जोन बोलते हैं और जहाँ पे इक्वल है एंटीजन और एंटीबॉडी का अमाउंट उसको हम जोन ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं एंड जोन ऑफ इक्विवेलेंस पे आपको क्या मिलती है प्रेसिपिटिन लाइन मिलती है सो so, यहाँ पे देखिए कि जब एंटीबॉडी एक्सेस में थी एंटीजन्स बहुत कम थे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा कम बनेगा ऑब्वियसली और लेकिन जब एंटीजन और एंटीबॉडी बराबर थे तो वहाँ पे लार्ज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना दैट इज़ द जोन ऑफ इक्विलेंस जहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का अमाउंट क्या है सेम है तो वहां पे आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा प्रेसिपिटिन लाइन मिलेगी अगर एंटीजन एक्सेस है एंटीबॉडी कम है तब भी आपका जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है वो कम बनेगा सो हियर यू कैन सी द ग्राफ अमाउंट ऑफ प्रिसिपिटेट वर्सेस एंटीजन कंसेंट्रेशन तो स्टार्टिंग में क्या है आपके पास में जो जोन है जहाँ पे प्रोजोन प्रोजोन क्या होती है जहाँ पे एंटीबॉडी ज़्यादा होती है एंटीजन कम होते हैं जो कि आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे एंटीबॉडी एक्सेस में एंटीजन कम है तो यहाँ पे जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कम बनेगा यहाँ पे ऊपर यहाँ पे एंड में देखें तो हम जहाँ पे एंटीजन एक्सेस में है तो उसको हम क्या बोलते हैं पोस्ट जोन दैट इज़ नोन एज़ पोस्ट जोन जो बीच वाली है हमारे पास में ये वाली जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द इक्विवेलेंट जोन इक्विवेलेंट जोन कौन सी है ये वाली जहाँ पे कि एंटीजन और एंटीबॉडी का अमाउंट सेम रहता है इक्वल होता है तो वहाँ पे यू विल सी द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटिन लाइन तो ये क्या था प्रेसिपिटेशन अब इम्यूनो डिफ्यूजन जो है ना वो प्रेसिपिटेशन पे ही बेस्ड है इम्यूनो प्रेसिपिटेशन पे ही बेस्ड है बस यहाँ पे जो मूवमेंट होती है एंटीजन या एंटीबॉडी की वो एक मीडियम के थ्रू होती है जो मूवमेंट है वो कैसे हो रही है एक मीडियम के हेल्प से हो रही है यहाँ पे जो मीडियम होता है वो आपका अगार हो सकता है या एगरोज हो सकता है तो इम्यूनो प्रेसिपिटेशन वेन परफॉर्म्ड इन अ मीडियम उसको हम इम्यूनो डिफ्यूजन बोलते हैं अब यहाँ पे किसकी मूवमेंट हो रही है या तो एंटीजन की मूवमेंट होगी या एंटीबॉडी की मूवमेंट होगी या फिर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की मूवमेंट होगी देखो अगर खाली एंटीजन या एंटीबॉडी की मूवमेंट हो रही है या तो एंटीजन मूव कर रहा है या एंटीबॉडी मूव कर रही है तो उसे हम बोलेंगे सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन लेकिन अगर दोनों की मूवमेंट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे डबल इम्यूनो डिफ्यूजन ओके नाउ ये जो आपका एंटीजन होता है एंटीबॉडी होता है जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो कि हमें प्रेसिपिटेट मिल रहा था अब देखो ये सोल्यूबल क्यों है देखो जो सोल्यूबल चीज़ होती है वही तो मूव कर सकती है जो सोल्यूबल चीज़ है वही तो मूव करेगी तो इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी जो हम लेते हैं वो सोल्यूबल लेते हैं जब ये मिलेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वो इनसोल्यूबल होगा तभी तो, तो आपको प्रेसिपिटेट मिलता है नाउ जो ये इम्यूनो डिफ्यूजन होता है वो दो टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंगल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन एंड द सेकेंड वन इज डबल इम्यूनो डिफ्यूजन अब जो सिंगल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन है इसको हम मैंसिनी मेथड भी बोलते हैं और जो डबल वाला है उसको हम आउस्टरलोनी मेथड भी बोलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं रेडियल सिंगल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन की देखो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है वट डू वी मीन बाई दिस वर्ड डिफ्यूजन डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई जो सब्सटेंस है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहा है कोई चीज़ हाई टू हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव कर रही है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इम्यूनो का मतलब है कि एंटीजन या एंटीबॉडी यहाँ पर इन्वॉल्व है रेडियल का मतलब है कि जो मूवमेंट हो रही है वो सर्कुलर मूवमेंट हो रही है और सिंगल है दिस इज द सिंगल सिंगल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन सिंगल का मतलब है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा है या तो एंटीजन या एंटीबॉडी केवल एक ही जो मॉलिक्यूल है वो मूव कर रहा है कैसे मूव कर रहा है रेडियली मूव कर रहा है एंड यहाँ पर डिफ्यूजन हो रहा है यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में वो मूव करता है अब इसको किस तरीके से परफॉर्म करना है सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पेट्री प्लेट है अगार पेट्री प्लेट है आप मीडियम अगार ले सकते हो एगरोज ले सकते हो कोई भी जो जेल है वो आप ले सकते हो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे विद द हेल्प ऑफ पंचर हम यहाँ पे एक होल क्रिएट करेंगे सेंटर में हमने होल क्रिएट कर दिया एक वेल बना दिया अब उस वेल में आप क्या करोगे एंटीजन को डालोगे विद हेल्प ऑफ द माइक्रो आप एंटीजन को उस वेल में फिल करोगे अब ये जो आपका अगर था ना इसके अंदर क्या है एंटीबॉडीज़ है आपने यहाँ पे सेंटर में क्या डाल दिया है एंटीजन लोड कर दिया है अब ये जो एंटीजन है ये क्या करेगा मूव करेगा ऐसे बाहर की तरफ क्यों क्योंकि जो डिफ्यूजन होगा यहाँ पे देखो एंटीजन की जो कंसनट्रेशन है वो सेंटर में ज़्यादा है सेंटर में ज़्यादा है ना तो वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा जो कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन होती है तो हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है सेंटर में तो वो सेंटर से बाहर की ओर जाएगा बाहर की ओर डायरेक्शन में मूव करेगा सो so, एंटीजन का डिफ्यूजन होगा इनटू द आउटर जेल इनटू द एगरोज जेल रेडियली एंड आपको यहाँ पर एक प्रेसिपिटन रिंग मिलेगी क्योंकि देखो ये जो आपकी अगार थी या जो एगोरॉज था यहाँ पे क्या थी एंटीबॉडीज थी अब ये एंटीजन जब ऐसे मूव कर रहा है रेडेली जब मूव कर रहा है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ये बाहर मूव कर रहा है तो जब ये एंटीबॉडीज से इंटरेक्ट करेगा तो आपको प्रेसिपिटिन रिंग देखने को मिलेगी विच इज़ दी एंटीजन और एंटीबॉडी का जब कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पे आपको प्रेसिपिटिन रिंग देखने को मिलेगी तो मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे एंटीजन और एंटीबॉडी का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना है जिसकी वजह से आपको ये प्रेसिपिटिन लाइन देखने को मिल रही है नाउ इसी तरीके से हम पेट्री प्लेट पे बहुत सारे क्या कर लेंगे वेल्स बना लेंगे जैसे ये हमारी पेट्री प्लेट है तो उसमें हम बहुत सारे इस तरीके से वेल्स बना लेंगे एंड सभी के अंदर हमें एक प्रेसिपट लाइन देखने को मिलेगी अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं अब इस इस पिक्चर में आप देखिए कि ये हमारे पास पेट्री प्लेट है अब यहाँ पे जो सेंटर वाला जो वेल है ये जो सेंटर में आप वेल देख रहे हैं इसके अंदर मैंने एंटीजन को लोड करा ठीक है एंटीजन को लोड करा अब ये मेरा क्या है दिस इज़ दैंपल दिस इज़ द सैम्पल ये मैंने यहाँ पे इस वेल के अंदर सैंपल ऐड करा सैंपल जो है उसमें जो एंटीजन का कंसंट्रेशन है जो एंटीजन का कंसंट्रेशन है वो मुझे नोन नहीं है वो मुझे नहीं पता कि कितना एंटीजन का कंसंट्रेशन है सैम्पल के अंदर मुझे नहीं पता तो अननोन एंटीजन कंसंट्रेशन है सैंपल की मैंने सेंटर वाले में डाला ठीक है बाकी जितने भी वेल्स हैं बाकी जितने भी वेल्स हैं वहाँ पे मैं क्या ऐड कर रही हूँ बाकी जितने भी वेल्स हैं वहाँ पे मैं ऐड करूँगी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सैंपल यानी कि जिसका हमें एंटीजन कंसंट्रेशन मालूम है मुझे पता है कि उसकी सैम्पल की कितनी एंटीजन कंसंट्रेशन है वो होता है स्टैंडर्ड सैम्पल तो बाकी वेल्स में मैं इसमें भी इसमें भी बाकी सभी वेल्स के अंदर मैं स्टैंडर्ड एंटीजन जो है स्टैंडर्ड सैंपल को ऐड कर दूंगी अब जो आपका जेल था बाहर उसमें क्या थी एंटीबॉडीज थी तो जब एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा तो आपको प्रेसिपिटिन लाइन देखने को मिलेगी तो सभी वेल्स के पास में आपको क्या मिल रही है प्रेसिपिटिन लाइन देखने को मिल रही है अब यहाँ से देखिए जैसे ये वाला वेल well है इसमें जो प्रेसिपिटिन लाइन है वो आपको दूर देखने को मिल रही है फ्रॉम द वेल यहाँ से डिस्टेंस देखिए कितनी दूरी पे आपको मिल रही है काफ़ी दूर मिल रही है तो अगर आपको जो प्रेसिपिटिन लाइन है देखो मैं येलो कलर से बना देती हूँ ये आपकी क्या है प्रेसिपिटिन लाइन है दिस येलो वन इज़ द प्रेसिपिटिन लाइन यानी कि जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना तो अगर आपकी जो प्रेसिपिटिन लाइन है वो दूर बनती है वेल से तो इसका मतलब है कि जो एंटीजन का कंसनट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है दैट मीन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इज़ क्वाइट हाई अब इस वाले को देखिए यहाँ पे जो आपकी येलो वाली लाइन है जो प्रेसिपिटिन है वो काफ़ी पास बन रहा है वेल से काफ़ी पास में बन रहा है प्रेसिपिटिन लाइन तो इसका मतलब है कि एंटीजन का जो कंसेंट्रेशन है दैट इज़ क्वाइट लो वो काफ़ी कम है सो so, बाई हैविंग द वेरियस कंसनट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एंटीजन जो भी स्टैंडर्ड एंटीजन हैं सबकी अलग अलग कंसनट्रेशन आएगी किसी की कम आएगी किसी की ज़्यादा आएगी तो मुझे एक स्टैंडर्ड कर्व इस तरीके से मिल जाएगा आई विल गेट दिस स्टैंडर्ड कर्व कैसे मिलेगा इसके हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना अमाउंट है एंटीजन का अब देखो आपके पास ना वन टू थ्री और फोर ये जो पहले चार हैं वो क्या है आपके स्टैंडर्ड सैम्पल थे यानी कि जिसका कंसनट्रेशन आपको पता थी तो हम ग्राफ बनाएंगे डाया यानी कि जोन ऑफ प्रेसिपिटेशन और कंसनट्रेशन ऑफ एंटीजन के बीच में डाया क्या है कि कितना डिस्टेंस है ओके सो यहाँ पे हमने वन टू थ्री और फोर ये आपके स्टैंडर्ड सैम्पल्स थे जिसका कि आपको पता था कि कितनी कंसेंट्रेशन एंटीजन की है तो इसकी तो हमें पता थी तो हमें एक स्टैंडर्ड कर्व मिल गया अब जो फिफ्थ वाला है ना फिफ्थ वाले की हमें नहीं पता थी कि क्या है अननोन सैम्पल था हमें नहीं पता था कि क्या कंसन्ट्रेशन है एंटीजन की तो अब इसके डायमीटर को मैं कंपेयर करूँगी कि ये ज़्यादा छोटा भी नहीं लग रहा है, इसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा भी नहीं लग रहा तो अगर हम कंपेयर करें ये इसका जो डायमीटर है ये कहीं ना कहीं आपको टू और थर्ड के बीच का दिख रहा है सेकेंड और थर्ड के बीच का दिख रहा है ना तो किसी के बराबर नहीं है ये फोर तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया उसका डायमीटर वन काफ़ी छोटा हो गया टू और थ्री के बीच में हमें लग रहा है कि इसका डायमीटर यहाँ पे फॉल करेगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पर फिर इसका कंसेंट्रेशन पता कर सकते हैं कंपेयर करके तो अनोन जो कंसेंट्रेशन थी वो हम यहाँ पर पता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डायमीटर कंपैरिजन। अब नेक्स्ट आता है आउच्टर लोनी डबल इम्यूनो डिफ्यूजन अब यहाँ पर डबल इम्यूनो डिफ्यूजन है पहले क्या था सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन था खाली एंटीजन मूव कर रहा था आपने देखा था ना पहले क्या था कि हम पेट्री डिश ले रहे थे सेंटर में हम एंटीजन डाल रहे थे वो एंटीजन मूव कर रहा था उसका डिफ्यूजन हो रहा था तो सिर्फ एंटीजन मूव कर रहा था वहाँ पे तो तो वो क्या हो गया आपका सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन लेकिन आउटस्टर लोनी डबल डिफ्यूजन में क्या होता है कि डबल डबल का मतलब है कि दो चीज़ यहाँ पे मूव करेंगी तो एंटीजन भी मूव कर रहा है और एंटीबॉडी भी मूव कर रही है सो हियर एंटीजन एंड एंटीबॉडी बोथ विल डिफ्यूज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो एंटीजन भी मूव करेगा और एंटीबॉडी भी मूव करेगी सो दे विल फॉर्म अ प्रेसिपिटिन लाइन जहाँ पे भी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मिलेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड आपको लाइन ऑफ इक्विवेलेंस मिलेगी मान लो कि यहाँ पे ना हमारे पास डिफरेंट एंटीजनज हैं ग्रे कलर के हैं कुछ रेड कलर के हैं और यहाँ पे हमारे पास में एंटीबॉडीज़ हैं ज आर द एंटीबॉडीज तो डिफरेंट एंटीजन है डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं अब दोनों का क्या होगा डिफ्यूजन होगा ये इधर आएंगे ये इधर आएंगी एंड आपको सेंटर में एक प्रेसिपिटिन लाइन मिलेगी यू विल सी अ प्रेसिपिटिन लाइन प्रेसिपिटिन लाइन का मतलब है कि जहां पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो वो क्या होती है हमारी प्रेसिपिटिन लाइन बनती है इसका मतलब है कि एंटीजन भी मूव कर रहे हैं और एंटीबॉडी भी मूव कर रही है दोनों मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं देयर फोर इट इज़ डबल इम्यूनो डिफ्यूजन सो इट इज़ अ इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक जिससे कि आप क्या कर सकते हो डिटेक्शन कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो क्वांटिफिकेशन कर सकते हो एंटीबॉडी और एंटीजन का यूजिंग दिस टेक्निक द एंटीजेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटीजन कैन बी एनालाइज हम पता कर सकते हैं कि दो एंटीजन के बीच में रिलेशन क्या है सो so, एपिटोप क्या होता है एपिटोप एंटीजन का वो पार्ट होता है जो कि एंटीबॉडी के साथ में इंटरैक्ट करता है तो अगर सेम एपिटोप है दो एंटीजन्स का इसका मतलब कि सेम एंटीजन्स है वो तो सबसे पहले यहाँ पे केस आता है आइडेंटिटी तो हम क्या कर सकते हैं आउटस्टर लोनी डबल इम्यूनो डिफ्यूजन से हम पता कर सकते हैं कि एंटीजेंस के बीच में क्या रिलेशन है कि उनके बीच में जो एंटीजेनिक जो एपिटोप्स हैं वो उनके सेम है या डिफरेंट है उसका हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं तो सबसे पहला आइडेंटिटी आइडेंटिटी वाला जो होता है यहाँ पे देखो हमने एंटीबॉडी ली और यहाँ पे हमारे पास में दो वेल्स हैं देखो जैसे हमने यहाँ पे एक स्लाइड लेंगे ऊपर एंटीबॉडी का वेल होगा और यहाँ पर नीचे दो वेल्स हमने क्या बना लिए एंटीजेंस के बना लिए तो स्लाइड के स्लाइड को जो है हम जेल से कवर कर देते हैं एंड उसके ऊपर फिर हम वेल्स बनाते हैं तीन एक में एंटीबॉडी डालेंगे दो में डालेंगे अब क्या होगा अब आप यहां पर देखेंगे कि जो आपको प्रेसिपिटेंट लाइन मिलेगी यानी कि वो कैसी मिल रही है आपको आर्क जैसी मिल रही है ऐसा एक सी शेप की आपको मिल रही है आर्क जैसी आपको मिल रही है अगर तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो दो एंटीजन हैं वो आइडेंटिकल एपिटोप्स हैं उनके पास में ये क्या है आइडेंटिकल एंटीजनस हैं उनके जो एपिटोप्स हैं वो आइडेंटिकल है मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे साल्मोनेला टाइफी में काफ़ी सारे एंटीजनस होते हैं ना जैसे ओ एंटीजन एच एंटीजन तो अगर एंटीजन वन और एंटीजन टू का एपिटोप सेम है तो इसका मतलब है कि दोनों ओ एंटीजन है या दोनों एच एंटीजन है सो so दे आर हैविंग सिमिलर आइडेंटिकल एपिटोब्स अगर आपको इस तरीके का आर्क मिलता है सेकेंड है नॉन आइडेंटिटी नॉन आइडेंटिटी का मतलब है कि आपको दो क्रॉसड लाइन्स मिलेंगी टू डिफरेंट प्रसिपटेशन रिएक्शंस इसका मतलब क्या है टू क्रॉस लाइन्स क्या रिप्रजेंट कर रही है दो डिफरेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस यानी कि जो एंटीजन्स हैं उनमें कोई कॉमन एपिटोप नहीं है वो बिल्कुल डिफरेंट है मान लो कि एक जो एंटीजन है वो कोविड का है और एक एंटीजन आपका टाइफॉइड का है सैनमोनर टाइफी का है तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है कोई कॉमन एपिटोप नहीं है तो इस तरीके से आपको क्रॉसड लाइन दिखाई देंगी दैट रिप्रेजेंट्स की दो डिफरेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पर हो रही हैं मीन्स दे डोंट शेयर एनी कॉमन एपिटोप थर्ड आता है पार्शियल आइडेंटिटी पार्शियल आइडेंटिटी का मतलब है कि एंटीजन्स जो है वन और टू उनके बीच में कुछ एपिटोप्स कॉमन है कुछ एपिटोप्स क्या है कॉमन है सारे कॉमन है लेकिन दे शेयर सम एपिटोप्स कॉमन जैसे सैलमोलेना टाइफी है उसका ओ एंटीजन और एच एंटीजन है तो सैल्मोले टाइफी के ही ना तो उसमें कुछ जो है सिमिलैरिटीज़ होंगी यानी कि पार्शियल आइडेंटिटी है तो आपको इस तरीके की क्या मिलेगी प्रेसिपिटेशन लाइन मिलेगी जहाँ पे कि आपको दोनों मिल रहे हैं जैसे एक तो जैसे क्रॉस कर्व वाली भी मिल रही है आर्क भी मिल रही है और एक लाइन आपको क्रॉस वाली भी मिल रही है तो दोनों मिक्स ही मिल रही है एंड ये जो आप आउटस्टर लोनी जो आपका मेथड है इसको आप यूज़ कर सकते हो एंटीजन्स की कंसंट्रेशन एस्टिमेट करने के लिए भी कैसे आप ये देखोगे कि यह जो आपकी प्रेसिपिटन लाइन है वो कितनी दूरी पे बन रही है यह जो आपकी प्रेसिपिटेशन लाइन है वो कितने डिस्टेंस पे बन रही है वेल से कितने डिस्टेंस पे वो मिल रही है जब आपका एंटीजन का कंसेंट्रेशन हाई होता है तो अगर मान लो एंटीजन का कंसेंट्रेशन क्या है हाई है तो आपको ये प्रेसिपिटेशन लाइन एंटीजन के वेल से काफ़ी दूर मिलेगी एंटीजन के वेल से काफ़ी दूर मिलेगी लेकिन अगर एंटीजन का कंसेंट्रेशन क्या है काफ़ी ज़्यादा लो है जैसे मैंने आपको मैंसिनी वाले में भी बताया था अगर एंटीजन का कंसेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा लो है तो ये प्रेसिपिटेशन लाइन आपको क्लोज मिलेगी एंटीजन के वेल से काफ़ी क्लोज मिलेगी सो दैट्स ऑल फॉर टुडे पी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे